तू फर्स्ट ईयर में? जी। तू ये कर किसको दिखाता है? जी मैं तो। नाम क्या है? जी अली। अबे वो तो तेरा नाम है ना, तेरे नाम का हमने अचार डालना है। मेरा क्या नाम है? मुझे क्या मालूम। तो तुम कॉलेज क्या करने आए हो? कॉलेज में एडमिशन किस तरह मिला है? सिफारिशी होएगा, किसी का हक मार के आया होएगा। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? जी 19 years। तो तू अंग्रेजी भी बोल लेता है और अभी तक तुझे इसका नाम भी नहीं मालूम? बचपन में रियाजी पढ़ी थी जी, पढ़ी थी। तो फिर इसका नाम भी अंजुम ही है, किसी टीचर ने नहीं है तुम्हें बताया? अंजुम रियाजी टीचर? लेकिन अब तो पता चल गया ना जी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, पानी तो तुम्हें पड़ेगा। अंजुम ये क्या हो रहा है? वो सर नहीं सर, कुछ नहीं सर, वो बेटा ये आपको तंग कर रहे हैं? जी सर। आप पे पानी फेंकने की धमकी दे रहे हैं? जी। क्यों भाई? नहीं सर, अभी तक सिर्फ पानी फेंकने की तो धमकी ही दे रहे हो, फेंक क्यों नहीं देते? छोड़ो इसको, वो कैंटीन में बड़ा एंड शुगर लग रहा है। अच्छा तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में दरख्तों पर अभी लिखा हुआ है, तुम कभी जाके मिटाओ। बहार आती है लेकिन तारिक है और ये टंडो आदम से आए हैं और मालूम है इन्हें क्या बनने का शौक है? लंगूर। नहीं, साइकिल। जहाज। उससे भी बड़ी चीज, इन्हें टेक्सटाइल डिजाइनर बनने का शौक है। अच्छा, तो ये मेरे कंपटीशन में आ रहा है सोना मुंडा। क्यूट। हाँ, और एक और बात, अभी तो आपने इनके ख्याल ही चेक नहीं किए, जरा सुनाओ इनको वो बात। कौन सी वो बात? हाँ वही बात। अच्छा दोबारा से ना भी दो। इस कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी माँ बहन है, मैं इनकी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखूंगा। और अगर किसी ने इनको तंग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। अब मैं जाऊँ? कहाँ? वो मेरी ड्राइंग की क्लास है। देर ना हो जाए, जाओ, शाबाश, डांट पड़ जाएगी। मेरा तो खेल ही तबाह हो गया। मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूँ जो कोई बहुत ही फॉर्मल सी क्लास ले, बल्कि मैं तो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में पढ़ाने का कायल हूँ, यू नो। अच्छा, तो ये है आपकी क्लास। ए मिस्टर, यू वो क्लास है आपका, बेडरूम नहीं है। स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? सर इब्राहिम। सर इब्राहिम, इतनी जल्दी सर भी हो गए? आवाज ना, उसको सोने की जगह। सर दरअसल आज मैं पूरी क्लास में सबसे पहले आया था। ओह यू डोंट गिव मी एनी फजूल एक्सप्लेन नेशन सर। आई नो, डोंट टेल मी। सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। आप याद है, राइट हियर, कम ऑन। आपको सारी क्लास के सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। जी नहीं। देखिए मिस्टर, आपके पास दो ही रास्ते हैं, आप मुर्गा बन जाइए या आप कॉलेज छोड़ दें। मैं कॉलेज नहीं, नहीं, आप मुर्गा ही बनेंगे।
तो हमारा आर्किटेक्चर का पहला सबक यह है कि फंक्शन फॉलोज फॉर्म एंड फॉर्म फॉलो फंक्शन। ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे मुर्गे से अंडा और अंडे से मुर्गा। अब हमारे पास मुर्गा तो है, हमारा अपना मुर्गा। सवाल यह है कि अंडा कहां से आएगा? हम भाग लूट की तरह आ रहे हैं। आप ऐसा करिए, ये सोचें कि अंडा कहां से आएगा, मैं चलता हूं। आप बैठ सकते हैं, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, प्लीज। तो मैं तो बहुत फॉर्मल माहौल में पढ़ाने आया था, नहीं बल्कि बहुत इनफॉर्मल, वो क्या कहते हैं आप लोग, दोस्ताना माहौल में पढ़ाने आया था। कर दिया यार, जरा सोच, वो सारी क्लास के सामने मुर्गा बना हुआ था, कितना शर्मिंदा हुआ होगा। इजी 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 मेरी जान, इजी देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। सुनो, फोटो खिंचवा के भेज दूंगा, आराम से देखते रहना। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यस, कम इन। जी फरमाइए। मैडम, इस कॉलेज के एक स्टूडेंट ने मुझसे बदतमीजी की है। आप इत्मीनान से बैठिए और मुझे बताइए क्या हुआ है। उसने सारी क्लास के सामने मुझे कहा कि मुर्गा बन जाओ, फिर उसने मुझे सबके सामने मुर्गा बना दिया। मैंने जूता मारा, वो जूते भी ले गया, मेरे नंगे पाँव पे रहा हूँ, मेरे पास जूते भी नहीं है। इतना बड़ा हुआ, मेरे अम्मी अबू को पता लगेगा, वो क्या कहेंगे। चिड़िया उड़ी? नहीं उड़ी। कब उड़ा? नहीं उड़ा। पतंग उड़ी और कट गई। सुनो 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 सुनो, जिस लड़के को नूर ने मुर्गा बनाया था ना, उसने जिगर प्रिंसिपल से जाके शिकायत कर दी है। आईटी टट्टू, तो क्या हो गया? प्रिंसिपल साहिबा को ऐसी हजारों शिकायतें मिलती हैं, उन्हें सब मालूम है, कुछ नहीं होता। नहीं 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 नहीं, सुना है कि प्रिंसिपल बहुत गुस्से हैं और हमें कॉल भी की है। तुम कॉलेज में अच्छा काम करने वाले स्टूडेंट्स में से हो। जी मैं, हाँ मेरा मतलब है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम ही ऐसी हरकतें करोगे तो मैं औरों से क्या एक्सपेक्ट करूँ। उसने बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया, असल में मुझे पता है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। दरअसल कॉलेज में मैंने खुद ही स्टूडेंट्स को फूलिंग करने की इजाज़त दी है और मुझे यूं लग रहा है जैसे मुझे अब सख्ती करनी पड़ेगी। क्या हुआ? ड्रैगन बोलो। मैडम फूलिंग पर पाबंदी लगाने का सोच रही हैं। ओह नो!